होम्योपैथी की सारी छोटी बड़ी खबरों के लिए कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब। सब्सक्राइब नाउ का बटन दबा के साथ ही साथ दबा दीजिए बेल आइकन भी। तो चलिए आइए जानते हैं कि आज की न्यूज़ क्या है। तो चलिए आइए आज जानते हैं एक आवश्यक सूचना जो कि बिहार से आई है, जिन्होंने भी CHO दिया है एग्ज़ाम उनके लिए ये एक अच्छी न्यूज़ नहीं है, लेकिन फिर भी सभी जानना चाहते थे कि भाई कोई CHO की कोई न्यूज़ आई है कि नहीं, CHO की बहाली कब होगी, या फिर CHO का जो एग्ज़ाम दिया है, जो रिज़ल्ट आया है, उस पर क्या अभी करंट सिचुएशन में क्या कंडीशन है, उसके बारे में ये पूरी आज की वीडियो होगी। तो बिहार में एक वैकेंसी आई थी CHO की कुछ समय पहले, जिसमें मैंने कहा था कि हाई कोर्ट में केस हो गया है और केस करने वाले का नाम है ब्रजेश कुमार एवं अन्य बनाम राज्य स्वास्थ्य समिति, ठीक है। तो इन लोगों ने जो है केस किया था, ठीक है। तो केस जो है वो फाइल जो है वो ये है CWJC नंबर 7540-2020। तो ये जो जो भी ये कंडीशन क्रिएट हुआ, जिनको भी लगा कि उनके साथ सही नहीं हुआ है, उन लोगों ने इसे केस उन लोगों ने केस किया हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है उसके हिसाब से ये यहाँ देखिए यहाँ लिखा हुआ है से उत्पन्न में दिनांक 7/1/2021 को पारित मौखिक आदेश के आलोक में, जो मौखिक जो भी उन्होंने कहा आदेश दिया गया जिसमें 6 मंथ का सर्टिफिकेट कोर्स कम्युनिटी हेल्थ में देना था, कोर्स के तहत 300 पदों हेतु विज्ञप्ति विज्ञापन संख्या 10/2019 यानी जो विज्ञप्ति निकली थी 300 सीट्स के लिए पदों के लिए, आयुष जिसमें आप होम्योपैथी आयुर्वेदा और यूनानी प्रैक्टिशनर्स को जो भी अभ्यर्थी हैं उनके आवेदन प्राप्त किए गए, और उसके बाद फिर एक रिजल्ट डाला गया था, ठीक है। तो उनका एक फाइनल लिस्ट भी आना अभी बाकी था। उत्तीर्ण आयुष अभ्यर्थियों की समेकित मेघा सूची तैयार किया गया, किंतु मान जो भी लेकिन उसके बाद क्या हुआ, जो हाई कोर्ट जो बिहार का हाई कोर्ट है उसने एक आदेश जारी किया कि केवल आयुर्वेद प्रैक्टिशनर का ही फाइनल रिजल्ट जो है सिलेक्शन का वो ही आगे बढ़ाइए आप, और आगे कुछ नहीं बढ़ाना है, ठीक है। और जो आयुर्वेदा के प्रैक्टिशनर हैं उन्हीं को इग्नू के 6 मंथ के कोर्स के लिए जनवरी 2021 सत्र में नामांकन की कार्रवाई की जाएगी, ठीक है। जो भी जनवरी से उन्हीं का नामांकन किया जाएगा जो भी आयुर्वेद के प्रैक्टिशनर हैं, और उनका जो फाइनल लिस्ट आया है उसके हिसाब से। और होम्योपैथी यूनानी के बारे में सब जानना चाहेंगे तो उसमें क्या हो गया कि हाईकोर्ट ने कहा है कि अभी जब तक वो आदेश नहीं देते हैं तब तक ये जो है विचाराधीन रहेगा, यानी कि अभी बहुत समय लगने वाला है, आप ये समझ कर चलिए, क्योंकि जब तक डिसीजन नहीं आता है आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, आपको इंतज़ार करना ही होगा डिसीजन का। और मैं जो भी न्यूज़ लाती हूँ वो बिना मुझे एक्चुअली मैं अगर पूरा क्लियरिफाई नहीं होता कि हाँ ऐसा होगा तब तक मैं न्यूज़ नहीं लाती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि कोई भी फेक न्यूज़ नहीं लाऊं। तो ये तो थी न्यूज़ जो आप सभी जानना चाहते थे, और आगे उन अभ्यर्थियों का नाम है शायद, ठीक है, ये फाइनल लिस्ट है आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर के, तो आप वेबसाइट में जाके ईजिली देख सकते हैं। ये देखिए आयुर्वेदा अंडर नेशनल हेल्थ मिशन, ठीक है, अगेंस्ट द एडवर्टाइजमेंट 10/2019। तो ये तो है, ये पूरा आयुर्वेद का है। और एक बात आपको बता दूं कि अभी होम्योपैथी और यूनानी का कोई फाइनल लिस्ट नहीं आया है, 6 महीने के कोर्स के लिए उनका सिलेक्शन अभी नहीं हुआ है, तो इंतज़ार कीजिए बहुत जल्द 6 महीने का कोर्स जो है वो स्टार्ट होगा, ठीक है।
जो भी आयुर्वेद के हैं उनका, होम्योपैथ और यूनानी को अभी और इंतज़ार करने की ज़रूरत है, क्योंकि जिन लोगों ने भी ये केस किया होगा, मुझे लगता है ज़रूर होम्योपैथ ने ही किया होगा, तो उनका अभी उनको एक लंबा प्रोसेस लगेगा। तो यही है फाइनल लिस्ट, और उसके तो ये अच्छी बात है, जिनकी जिनका भी नाम आया है उन सबको ऑल द बेस्ट। और होम्योपैथ और यूनानी को मायूस होने की बात नहीं है, वो आगे चल के बहुत अच्छा कर सकते हैं। 6 महीने का सर्टिफिकेट कोर्स में उनका भी नामांकन ज़रूर किया जाएगा, लेकिन इंतज़ार कीजिए, जब तक सिविल रिव्यू नहीं हो जाती तब तक इंतज़ार तो करना ही होगा, ठीक है। वो रिव्यू नंबर जो है वो है 4332019। तो ज़रूर आप मेरे इस वीडियो के साथ बने रहें, आगे भी बहुत सारे वीडियो आएंगे, आप ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें, अगर आपको पसंद आया हो तो शेयर भी करें, और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।